गणेश महोत्सव के रंग पूरे देश में अलग अलग तरह से देखने को मिल रहे हैं। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान गणेश का पूजन आज 56 भोग के साथ किया गया। सभी भक्तों ने मिलकर इस भोग को बनाने में श्रद्धा पूर्वक सहयोग दिया। इस बार जो है 19 तारीख को स्थापना हुई है, इसके बाद से विधिवत पूजा चल रही है। अभिषेक भी हुआ यहाँ पे, हुआ माता की चौकी भी हुई, कन्या पूजन भी हुआ, उसी के कर्म में आज जो है हमारे 56 भोग का आयोजन हो रहा है। भाई 56 भोग में ऐसा कोई गिनती नहीं, इसी कोई पकौड़ी नहीं जो उनको ना खिलाया जाए। सब्जी भी है तो आपका जो है रायता भी है बूंदी का, और मोदक भी है, जितने भी चीज़ इनको लगती है, और इनके साथ साथ हमारे लड्डू गोपाल भी आते हैं, उनकी भी सेवा की जाती है। भाई देखिए, जैसे मथुरा के अंदर रामचंद्र जी को पूजा जा रहा है, वैसे अयोध्या में जो है वो गणेश जी को पूजा जा रहा है। भाई देखिए, देवता हर जहाँ विराजमान है, आप जहाँ मनाएंगे वहीं वो आएंगे। गणपति बप्पा के इस 56 भोग में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को शामिल किया गया था। भगवान गणेश के सर्वाधिक प्रिय मोदक से शुरू करके इस भोग में पूड़ी, सब्जी, खीर, हलवा, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट, फल इत्यादि पकवान भगवान गणेश को अर्पित किए गए। हम यहाँ पे 23 साल से ये आयोजन हो रहा है, हर साल यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज 56 भोग था, आज विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भगवान का भोग लगा। सभी लोग अपने अपने घर से तरह तरह के व्यंजन लेके आए हैं। भगवान राम का मंदिर बना है तो बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए, इससे गर्व तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 23 सालों की प्रतीक्षा के बाद आज सबका सपना पूरा हो रहा है। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को यही भोग प्रसाद स्वरूप दिया जा रहा था, जिसे ग्रहण कर सभी भक्त काफी खुश नजर आ रहे थे।